कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है कि लोगों के सामने एक गंभीर संकट पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 पर बनी टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों में बाहर भीड़ देखी गई है, उससे संकेत मिल रहा है कि अगले 2 से 4 सप्ताह के भीतर कोरोना की तीसरी लहर महाराष्ट्र या मुंबई को प्रभावित कर सकती है। और इस खबर पर सुबोध मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध, ये बताइए कि कोविड टास्क फोर्स की ये जो चिंता है कि जिस तरह से लोग बाहर घूम रहे हैं, जिस तरह से कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, ऐसे में कोविड टास्क फोर्स ने कह दिया है कि तीसरी लहर की आशंका बहुत जल्दी साबित हो सकती है, बहुत जल्दी नजर आ सकती है। क्या तैयारियां हैं सरकार की ओर से? बिल्कुल दीपक, ये रिपोर्ट जो है ये टास्क फोर्स की तरफ से दी गई है महाराष्ट्र सरकार को, और एक तरह से ये जो रिपोर्ट है अपने आप में एक चेतावनी है, क्योंकि ये चेतावनी सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं है, यहाँ ये जो चेतावनी है ये आम लोगों के लिए भी है। क्योंकि जिस तरह से जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और जिस तरह से लोग वापस बाहर लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए जो ये टास्क फोर्स है उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर यही हालत रहे तो निश्चित तौर पर जो थर्ड वेव है, जो जो थोड़ा टाइम बाद आने वाली थी, वो काफी जल्दी आ जाएगी, वो 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगी। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा कि पिछले 2 दिन में जो अगर हम बात करें कोरोना के मरीजों की संख्या की, तो ये 10,000 के ऊपर टच किया है पिछले 2 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि वापस चीजें जो है वापस उसी दौर में जा सकती है जो हम सेकेंड वेव में गए थे। इसी में ही जो टास्क फोर्स ने एक और बात कही है कि जो शुरू की जो 2 वेव थी उसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड जो लोग रहे थे, जो हाई क्लास और मिडिल क्लास थी, एक और क्लास जो है जिसकी बात कर रही है ये जो टास्क फोर्स है, वो है मिडिल लोअर क्लास। इस क्लास को लेकर के इन्होंने चेताया है कि ये जो क्लास थी ये अपनी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से या फिर किसी और वजह से ये क्लास अभी तक उतनी अफेक्टेड नहीं हुई थी, लेकिन ये जो थर्ड वेव है ये निश्चित तौर पे इस क्लास पे सबसे ज्यादा हार्ड हिट करेगी। तो इन लोगों को जो लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको बहुत बचने की जरूरत है। हालांकि जो एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय था सरकार के लिए भी कि बच्चों को ये थर्ड वेव है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसको लेकर के जो है टास्क फोर्स ने कहा है कि ऐसा नहीं है, ये जो वेव है ये बच्चों को लेकर के उतनी ज्यादा घातक नहीं होगी जितना अनुमान लगाया जाएगा। हार्डली 2 से 3% ही इसमें अफेक्टेड बच्चे या फिर जो यंग है, जो 18 साल के आसपास के लोग हैं, वो लोग हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी ये जो चीजें हैं ये अभी रिपोर्ट दी है महाराष्ट्र सरकार को, और महाराष्ट्र सरकार इसको कहीं ना कहीं देख करके हो सकता है कि जो आगे ढील मिलने वाली थी दीपक, जिस तरह से लोकल ट्रेन की बात हो रही थी, बाकी जो हो सकता है वो ढील अब ना दी जाए और सरकार अभी से ही अलर्ट होकर के उतनी ही छूट दे जितने से ये जो वेव है, थर्ड वेव है, इसको कंट्रोल में रखा जा सके। जी दीपक, बिल्कुल सुबोध। हालांकि कोविड टास्क फोर्स जो कह रही है कि बच्चों पर ये वेव बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन तमाम रिसर्च हैं जिनका मानना है कि ये तीसरी वेव बच्चों के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है। तो क्या हम तैयार हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है बच्चों को लेकर? जी बिल्कुल दीपक, जिस जब से ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि जो आने वाली जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए घातक हो सकती है, तो इसको लेकर के काफी अलर्ट जो है महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको, उनके साथ 2 से 3 बार ये मीटिंग भी की है, और जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, छोटे छोटे जिले हो, वहां के डॉक्टरों को भी थ्रू वेव थ्रू लोगों को ये चीजें बताई है और सिखाई है। और अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में ऑलरेडी बच्चों को लेकर के कोविड सेंटर है, वहां पर व्यवस्था की गई है, आईसीयू की व्यवस्था की गई है, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको इस चीज का आह्वान किया गया है कि वो लोग खुद तो इसके लिए तैयारी रहे, इसके अलावा अपने नीचे के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, या बच्चे अगर इस तरह से होते तो उनको कैसे। तो एक चीज बोली जा सकती दीपक की काफी कुछ तैयारी, जैसे सेकेंड वेव में जो लापरवाही हुई थी या फिर उसको हल्के में लिया गया था, इस बार थर्ड वेव को जो सरकार है वो हल्के में नहीं ले रही है और पूरी तरह से तैयारी कर रही है। जी दीपक, बिल्कुल सुबोध, एक अहम समझने वाली बात यह है कि सिस्टम कितना तैयार है, सरकार कितना तैयार है, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम कितना तैयार हैं, हम किस तरह से कोविड नियमों का पालन करते हुए बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को बताने के लिए।
बात करते हैं कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है। लगातार 10वें दिन संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम आए हैं। बीते 24 घंटे में 67,208 नए संक्रमित आए हैं और 2,330 लोगों की वायरस से मौत हुई है। वहीं बीते एक दिन में 1,03,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 8,26,000 के पास हैं, जो कि 71 दिन में सबसे कम एक्टिव केस हैं। कोरोना से मृत्यु दर 1.28% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। बीते दिन करीब 19 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है।